सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब डॉक्टरों की लापरवाही से एक युवक युवती की जान चली गई। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन व चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दोनों मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने सही ढंग से उपचार नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। रोष प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों ने कहा कि अगर चिकित्सक ठीक से समय पर इलाज करते तो उन्हें बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और वहां पर मौजूद नर्सों ने मौत से जूझते बच्चों का उचित ख्याल नहीं रखा और मनमानी करते रहे, यही वजह है कि उन्हें मौत की आगोश में जाना पड़ा। मैं सुबह से कल यहाँ ही थी उसके पास, मैंने उसकी कंडीशन देखी, मैंने बोला शाम को 6-7 बजे की बात है, एक्चुअल पता नहीं है मेरे को, मैं पागल थी, नीचे क्या नाम वहाँ कैजुअल्टी में गई, डॉक्टर साहब देखे वहाँ नहीं मिले, फिर यहाँ पर ले कमरे में गई, वहाँ थे डॉक्टर साहब, मैंने कहा चलो मेरे बच्चे को रेफर कर दो, तो क्या नाम मेरा बेटा, उसका जो पापा है लड़की का, फिर वहाँ गए, फिर बड़ी देर से डॉक्टर आए, फिर बोला मैंने कहा रेफर कर दो, डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के मैंने नहीं, कहते कुछ नहीं होता इसको, कुछ नहीं होता इसको, छुट्टी करनी, सुबह घर जाएगी, मैंने कहा है ना। अच्छा दूसरा डॉक्टर फिर आज से बोलता, कहते भर जाओ यहाँ से, तीन तीन मरीज को हो रहे खड़े, तीन तीन पेशेंट, एक एक पेशेंट के पास, मैंने क्या जी बाहर निकल गई मैं तो, ठीक है कुछ नहीं हुआ इसको। वहीं MS महेश गुप्ता ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि रोगियों का उचित इलाज अस्पताल प्रशासन द्वारा किया गया, यहां तक कि मृतक युवक को अस्पताल से शिमला रेफर कर दिया गया था, लेकिन रोगी ने शिमला के रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसकी वे जिम्मेवार नहीं है। नहीं, इसमें खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे डॉक्टर्स की लापरवाही से कुछ हुआ। उनमें से जो एक डेथ हुई है वो ड्रग अब्यूज़ यानी कि उसने कोई ना कोई जो है वो प्रतिबंधित दवाई वो शायद ली थी उसने, और वो यहाँ काफ़ी बुरी कंडीशन में आया था। और दूसरा जो पेशेंट एक्सपायर हुआ है, जो पॉइजनिंग करके एक्सपायर हुआ है, जो उस पेशेंट का भी पूरी तरह से हमने यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स द्वारा पूरी तरह से इलाज किया गया। सुबह उसने अचानक उसको एजिटेशन होके, तो उसके बाद जो है वो अटेंडेंट्स ने उसको रेफरल के लिए कहा था, पर इन द मीन टाइम हमारे डॉक्टर मेडिकल स्पेशलिस्ट वहाँ पहुँच दे तब तक वो कलेप्स कर गई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें हमारे डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी है, डॉक्टर्स ने अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं। एमरजेंसी में 24 आवर्स हमारा डॉक्टर होता है, तो वो इतने काबिल होते हैं कि वो देख सके वहाँ पे कि पेशेंट्स को ज़रूरत है या नहीं है। इन केस उनको नहीं लगता है कि पेशेंट उनके बस से बाहर है, तो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हमेशा ऑन कॉल रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल, सोलन।